चलिए, तो हम लोग की आज इंडियन ज्योग्राफी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में आपको इंडिया के बारे में एक जनरल सा एक इंट्रोडक्शन दिया था कि भारत जो देश है हमारा, इसका जो भौगोलिक विस्तार है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। और इसमें आपको बताया था कि सबसे ईस्ट में हमारा कौन सा स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे वेस्ट में गुजरात, सबसे ऊपर यूनियन टेरिटरी है लद्दाख की, और सबसे नीचे है तमिलनाडु। और इसके चारों अलग अलग पॉइंट बताए थे, चारों अलग अलग केंद्र बताए थे कि जो इनका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अब ये जो हमारे भारत का विस्तार देखा गया है, इतने बड़े पैमाने पर हम लोग जो देखते हैं भारत का विस्तार, इसको एग्जैक्टली अगर लैटिट्यूड में देखा जाए, लॉन्गिट्यूड अगर देखा जाए, डिग्रीज इसको लिखा जाए, तो इसका जो विस्तार हम लोग देखते हैं, अगर डिग्रीज में हम देखेंगे तो इधर जो ऊपर हमारे लद्दाख है, अगर इस तरह के प्लानों वाले के ऊपर हमारा कौन सा लद्दाख, तो लद्दाख का एग्जैक्ट पॉइंट हमारे जो अब तक का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट माना जाता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट। सबसे नीचे है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी का जो लेटिट्यूड है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। सबसे पूरब में इधर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश का है 97 डिग्री 25 मिनट। और इधर गुजरात है, गुजरात का है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इसका जो चारों हम लोग डायमेंशन देखते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, इधर 97 25 से 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसको जो हम लोग लिखते हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं? हम लोग इसको लिखते हैं पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 8 डिग्री 4 मिनट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या लिखेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि भारत पूरी तरीके से किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। फिर ईस्ट वेस्ट में देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, तो क्योंकि हम पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में, पूर्वी हिस्से में, जैसे नॉर्मल अगर हम देखें ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ठीक, अब पृथ्वी में ऊपर का हिस्सा बताया कि नॉर्थ पोल, और नीचे का हिस्सा साउथ पोल, और बीच में क्या है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर पूरा नॉर्थ, इक्वेटर के नीचे पूरा साउथ, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के इधर ईस्ट है, और उधर में क्या है? वेस्ट। उधर पूरा उधर क्या है? पश्चिम। ठीक, अब है क्या कि 0 डिग्री का मतलब होता है ईस्ट और नॉर्थ और साउथ को देखें तो 0 से ऊपर नॉर्थ है, 0 से ऊपर नीचे साउथ, 0 से इधर ईस्ट है, 0 से इधर वेस्ट। इंडिया की लोकेशन आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, तो इंडिया बिल्कुल इस तरीके से, तो यहाँ से 0 1 2 3 4 हम लोग पढ़ते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इधर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अगर इंडिया की लोकेशन इस तरीके से होती तो हम लोग कहते साउथ से नॉर्थ, लेकिन इंडिया पूरी तरीके से किसमें है? नॉर्थ में। तो नॉर्थ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, समझ गए? अब देखिए ईस्ट वेस्ट का पता लगाए, अगर भारत की लोकेशन ये होती तो आप कहते इतने डिग्री वेस्ट से इतने डिग्री ईस्ट, भारत पूरी तरीके से किधर है? ईस्ट में है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड मैप में लगभग इस तरीके से दिखाई देता है। अब ऑस्ट्रेलिया में खाली ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताएंगे तो क्या होगा? साउथ से साउथ, इधर ईस्ट से ईस्ट, समझ गए? दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका इस तरीके से, तो साउथ अमेरिका का आपको डायमेंशन बनाना है साउथ से नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट, समझ गए? अफ्रीका महाद्वीप इस तरीके से, तो अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पते में पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों आ जाएगा, साउथ से नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट, समझ गए? तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर दोनों में नॉर्थ दोनों में ईस्ट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि तो भारत पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में है, और पूरी तरीके से किधर है? पूरब में। तो ये सब हालांकि पिछली क्लास में आपको चर्चा की थी, उसको विस्तार से आपको बताया था। अब यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, तो यहाँ पर हम लोग भारत का फिजिकल जो भौतिक विभाग है, ठीक है,
तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं जियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रभाव, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत के भौगोलिक प्रभाव, फिजिकल डिवीजन। तो जो भारत के भौगोलिक प्रभाव है, फिजिकल डिवीजन, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब भौगोलिक रूप से देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो भारत का जो बंटवारा किया गया, इंडिया का जो डिवीजन किया गया, तो भौगोलिक रूप से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। फिजिकली इंडिया डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। भौगोलिक रूप से भारत कितने भागों में बांटा गया है? 5 इसके भाग बांटे गए। सबसे पहला वाला जो पार्ट है, सबसे पहला हिस्सा लिखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन्स। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन्स। पहला हिस्सा कौन सा है? नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हिस्सा है उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा जो इसका हिस्सा है उसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। और चौथा जो इसका हिस्सा है उसको बोला जाता है समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स। समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, समुद्र तटीय मैदान। पांचवा जो इसका हिस्सा है पार्ट है उसको कहा जाता है आइसलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। द्वीप समूह, ठीक। तो कुल कितने पार्ट हो गए? 5 भाग हो गए इसके। तो इन्हीं पांचों को एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब इन पांचों की पहले आपको पहचान कराएंगे, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, उत्तर का मैदान कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटू क्या है, समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स क्या है, या हमारे द्वीप समूह है आइसलैंड से, ये क्या क्या है। अब आपके सामने जो फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप को आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो इस फिजिकल मैप में सारी चीजें आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक। अब देखिए सबसे पहला हमने क्या लिखा है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब देखिए ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तर उत्तर यानी ऊपर वाला हिस्सा, तो ये जो कुछ ब्राउन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा क्या है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो यही क्या है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हिस्सा क्या है, उत्तर का मैदान। तो जो ग्रीन कलर की आपको पट्टी दिखाई दे रही है पूरा ये, ठीक, और ये थोड़ा अंदर तक भी दिखता है, ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा क्या है, उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। प्रायद्वीप, पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब होता है कि जैसे आइलैंड होता है द्वीप, तो द्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। पेनिनसुला का मतलब होता है ऐसा जमीन का टुकड़ा जो 3 तरफ पानी हो और 1 तरफ जमीन हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिनसुला। तो यहाँ पर आप देखिए इंडिया का ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से में आप देखिए 3 तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है, और एक साइड में क्या है, जमीन। इसमें ये जो कुछ येलो और ब्राउन कलर वाला आपको जो दिख रहा है, ये वाला हल्का सा ट्रायंगल शेप में है, ये जो हल्का सा ट्रायंगल शेप में आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारा क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा देखिए कोस्टल प्लेन्स है, समुद्र तटीय मैदान। आप देखिए हमारा जो कोस्टल इलाका है वहां पर पहाड़ नहीं है, कोस्टल इलाका बिल्कुल समतल क्या है, मैदान है। ग्रीन कलर की पट्टी दिखाई दे रही है, प्लस आपको दोनों तरफ हरे रंग की पट्टी से पट्टी दिखाई दे रही होगी, तो यही जो हरे रंग की पट्टी वाली पट्टी दिखाई दे रही है, यही हमारा क्या है, समुद्र तटीय मैदान, कोस्टल। पांचवा कौन सा है, आइसलैंड ग्रुप्स, द्वीप समूह। तो जो द्वीप समूह है, तो ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ द्वीप समूह दो है, एक इधर
बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है अरबियन सी, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक, फिलीपियो आइलैंड ग्रुप से दो हमारे लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह है ये दोनों। अब यही पांचों है, इन्हीं को एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें से कुछ तो ज्यादा विस्तारित है। सबसे बड़ा इसमें समय जो हम लोग का लगता है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में लगता है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा जटिल है पहाड़। जैसे उत्तर में हमारा कौन सा पहाड़ है? हिमालय। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंचा वर्ल्ड का गोल्डन माउंटेन है, ललित पर्वत। तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद क्या देखेंगे? जो हमारा मैदानी क्षेत्र है उत्तर का मैदान, जैसे हम लोग बनारस में रह रहे हैं तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं? उत्तर के मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं। फिर तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण वाला इलाका और कोस्टल आइसलैंड है। लेकिन सबसे ज्यादा जटिल आपको किसकी संरचना मिलेगी? हिमालय की संरचना मिलेगी। सबसे आसान आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। जटिल संरचना है जरूर, लेकिन इस हिमालय का जो इम्पोर्टेंस है, हिमालय का महत्व हमारे लिए बहुत ज्यादा है। पहली बात तो उसको जानने से पहले हम लोग क्यों पढ़ते हैं हिमालय, हिमालय की जरूरत क्या है हमारे देश में, हिमालय हमारे लिए क्या कर सकता है। तो हिमालय का जो रोल हमारे भारत के भूगोल में है वो क्या है, पहले आप उसको समझिए। हिमालय जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये क्या करता है? उधर जो साइबेरिया रीजन होता है, साइबेरिया क्षेत्र से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाओं को आने से रोक देता है। अब अगर कहा जाए कि हिमालय को हटा दिया जाए, तो हिमालय को अगर हटा दिया जाए तो फिर हमारे भारत की जलवायु पर क्या असर पड़ेगा? तो हिमालय को भारत से हटा दिया जाए तो पूरे भारत जो समुद्री इलाका है उस पर तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समुद्र से लगे हुए। आपको बताया था टेम्परेचर का असर क्या क्या होता है। लेकिन जो अंदरूनी हिस्से, खासतौर पर उत्तर का मैदान, ये पूरा का पूरा साइबेरिया की तरीके से बर्फ बन जाता है, सूखा ड्राई। ठीक है, तो उन ठंडी हवाओं को जो ध्रुवीय क्षेत्रों से आती है, साइबेरिया रूप से आती है, उनको आने से क्या कर देता है? रोक देता है। दूसरा सामरिक महत्व इसका, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस कि ये जो हिमालय है ये हमारे लिए एक बॉर्डर तैयार करता है। बॉर्डर के आप कह सकते हैं उसको, बहुत सोफिस्टिकेटेड ज्योग्राफी की भाषा हम लेंगे तो उसको फ्रंटियर कहा जाता है, सीमांत। एक सीमा होती है और एक सीमांत होता है, बॉर्डर और फ्रंटियर। बॉर्डर वो होता है, सीमा वो होती है जिसे हम क्रिएट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडो पाक बॉर्डर, भारत पाकिस्तान की सीमा। तो ये आप देखिए, ये एक लाइन खींची हुई है और ये जो लाइन खींची हुई है ये बता रही है ये क्या है, भारत पाकिस्तान की सीमा। वो कहीं से चली जा रही है, पहाड़ के बीच में है, नदी को पार कर रही है, पाकिस्तान से जा रही है, मैं सब जगह से पार करते हुए आपको दिखेगा भारत नेपाल की सीमा। तो सीमा वो होती है जो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। और जो सीमांत होता है जिसको फ्रंटियर कहा जाता है भूगोल की भाषा में, एक्चुअली पहले भूगोल ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था तो बहुत विस्तार से आता था, अब ऑप्शनल सब्जेक्ट खत्म हो गया तो थोड़ा सा आसान हो गया छात्रों के लिए भूगोल पढ़ना, क्योंकि थोड़ा इजी हो गया है। पहले बड़ा डिटेल होता था भूगोल, तो उसमें एक मेंस में टॉपिक आता था सीमा और सीमांत में क्या अंतर है, बॉर्डर और फ्रंटियर, वही आपको समझाने की कोशिश कर। अब देखिए बॉर्डर आपको समझ में आए, जो हमने खींचा आगे खींचली वो कहीं से भी होकर चली जाएगी, वो मैदानी क्षेत्रों से जाएगी, वो नदियों से जाएगी, वो पहाड़ों से जाएगी, वो जंगलों से गुजरेगी, वो सब जगह जाएगी, डेजर्ट। लेकिन जो फ्रंटियर है, सीमांत है, वो नेचुरल प्राकृतिक। अब देखिए प्राकृतिक कैसे होगी, इसको आप कैसे देखेंगे कि ये हिमालय हमारा प्राकृतिक सीमांत, नेचुरली हमारा क्या है, ये फ्रंटियर। जो फ्रंटियर चीन है, इधर इतना पहाड़ ऊंचा है कि उधर से कोई इधर आ ही नहीं सकता। जैसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी थे जो भारत में आए और बाहर से हम लग गए, तो जितने आक्रमणकारी आए सब इधर से आए, इधर से कोई नहीं आया। इधर से आए, वेस्ट से आए, ईस्ट से कोई नहीं आया। कुछ मंगोल हमले आपने सुने, मंगोलों का बड़ा हमला होता था, बड़ा आतंक था एक जमाने में मंगोलों का। जो मंगोलों का हमला होता था तो मंगोल भी ध्यान रखेंगे, वो आते मंगोलिया भी नहीं करता है, तो मंगोल भी ऐसा नहीं सीधे चले आते, मंगोल इधर से निकलते थे और समझ लें कि सीधा घूमते हुए वो सेंट्रल एशिया होते हुए इसको पार करके तब इधर से आते थे, यानी उसको पार करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इसने हमारे देश की रक्षा की,
हिमालय में बाहरी हमला बोल, तो एक नेचुरली ये क्या बना है हमारा फ्रंटियर, हमारी भूटान से सीमा, हमारी चीन से सीमा, हमारी म्यांमार से सीमा, देखिए बिल्कुल किनारे किनारे हमारी बाउंड्री बनी हुई है, क्लियर। तो ये एक नेचुरल प्राकृतिक क्या है बॉर्डर, नेचुरल है, तो वो हमें क्या करता है विदेशी आपदाओं से बचाया, बाहरी हमलावरों से। अब देखिए अक्सर बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट किसके बीच होगा, भारत पाकिस्तान के बीच, भारत बांग्लादेश के बीच, अब ये वाला म्यांमार के बीच नहीं होगा, चाइना के बीच थोड़ा बहुत अरुणाचल को लेगा, बाकी इधर नहीं होता, क्योंकि उधर कौन जाएगा पहाड़ में, वो नेचुरली है, वो नेक्स्ट उस पहाड़ के बाद इधर हमारा इधर तुम्हारा, तो उसमें डिस्प्यूट नहीं होते। डिस्प्यूट कहाँ होते हैं, बॉर्डर में होते हैं, सीमाओं में, सीमांतों में डिस्प्यूट नहीं होते। तो ये सामरिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हुआ हमारे लिए, हमारे लिए संसाधन रिसोर्स खूब कीमती लकड़ियाँ, बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ, ज्यादातर आयुर्वेद के सब केंद्र कहाँ है, हिमालय में है, तो बहुत कीमती जड़ी बूटियाँ, बहुमूल्य रत्न लकड़ियाँ जिससे कागज और बाकी चीज़ों का उत्पादन होता है, तो बहुत सारे आर्थिक संसाधनों की प्राप्ति भी हमें हिमालय से हो जाती है। ठीक है, समझ में आएगा हिमालय की बात, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब ये जो हिमालय देखते हैं इसको हम लोग मोटा मोटी तीन हिस्सों में बांट के देखते हैं, यानी जो हिमालय का बंटवारा किया जाता है वो कितने पार्ट में करते हैं, तीन भागों में करते हैं। तो आप भी हिमालय को तीन हिस्सों में बांट के, हिमालय हिमालय को बांटा कितने भागों में, पहला इसका जो हिस्सा होगा उसको बोलते हैं दूसरा इसका हिस्सा होता है हिमालय, और तीसरा इसका हिस्सा होता है पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल, ये तीनों किसके हिस्से हो गए, हिमालय, या इसी को आप कह सकते हैं जो हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, तो चाहे उत्तर, कुछ किताबों में आपको केवल हिमालय लिखा रहेगा, कुछ किताबों में जितनी किताबें पढ़ेंगे सब में अलग अलग इसका व्याख्या मिलता है, तो कुछ किताबों केवल हिमालय लिखा मिलेगा, कुछ किताबों में क्या लिखा रहेगा, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो इसका मोटा मोटी हम लोग कितने हिस्से बांट के देखते हैं, तीन हिस्से। अब इसके जो तीन हिस्से होते हैं कौन कौन से होते हैं, जो अलग अलग तीन हिस्से होते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं कि पहला हिस्सा उसमें कौन सा लिखा हुआ है, पहला हिस्सा क्या लिखा हुआ है, ट्रांस हिमालय। तो देखिए जो ट्रांस शब्द होता है, ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब होता है पार, ट्रांस मतलब क्या होता है, पार, ठीक, जैसे बोलते हैं सड़क पार, तो ट्रांस हिमालय का मतलब क्या हुआ, हिमालय पार, और हिमालय पार का मतलब बड़ा करके तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। देखिए हिमालय पार का मतलब एग्जैक्टली जनरली हम लोग बोलते हैं ना सड़क पार, तो सड़क पार का मतलब सड़क का इस पार भी हो सकता है उस पार भी हो सकता है, लेकिन सड़क पार की बात करते हैं तो हम लोग इस पार की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, उस पार की बात करते हैं। तो जब हम लोग ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली हिमालय की नहीं, हिमालय के उस पार की बात करते हैं, समझ गए। तो ट्रांस हिमालय में कौन सी पहाड़ियां आती है, वो पहाड़ियां जो हिमालय के क्या है, उस पार। अब उस पार की पहाड़ियों को आप लोकेट कीजिए तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक बड़ी सी पहाड़ी आपको दिखाई देगी, लिखा होगा काराकोरम, काराकोरम दिखाई दे रही है पहाड़, क्लियर हुआ बिल्कुल, काराकोरम। काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सा पहाड़ है, काराकोरम के जस्ट नीचे कौन सा है,
कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के जस्ट नीचे कौन सा है? जस्कर। और थोड़ा सा और इधर बढ़ेंगे तो इधर आपको मिल जाएगा कैलाश। दिखाई दे रहा है? तो ये जो आपने देखा कौन कौन सी पहाड़ी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और कैलाश। तो ये जो पहाड़ियां हैं ये एग्जैक्टली हिमालय की पहाड़ियां नहीं, ये कैसे पहाड़ियां हैं? ट्रांस हिमालय, यानी हिमालय के उस पार के पार। इस पार नहीं, कहां पर? अब इसी में आपको देखिए कुछ नदी दिखाई दे रही होगी। आपने इंडस नदी का नाम सुना होगा, सिंधु नदी, अभी नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। तो बताइए सिंधु नदी किन किन पहाड़ों के बीच से प्रवाहित हो रही है? भारत में सिंधु नदी किन पर्वतों के बीच से प्रवाहित होती है? बताइए किसके किसके बीच? लद्दाख और काराकोरम के बीच। तो लद्दाख और काराकोरम के बीच में दिखाई दे रहा है कौन सी नदी जा रही है? इंडस रिवर, सिंधु नदी। अब ये जो काराकोरम देखिए बिल्कुल एकदम पॉइंट पर है ऊंचा, इसी काराकोरम में आप देखेंगे ऊपर यहाँ पर एक पॉइंट बना होगा और यहाँ पर एक पहाड़ लिखा होगा, केतु लिखा होगा। कौन सा पहाड़ लिखा हुआ है? केतु। केतु, ठीक। तो जो केतु पहाड़ दिखाई दे रहा है, केतु की ऊंचाई आप देखिए 8611 मीटर, 8611 मीटर। केतु की ऊंचाई कितनी है? 8611। इसी केतु को एक और नाम दिया गया है, गॉडविन ऑस्टिन। और ये जो केटू या गॉर्डन ऑस्टिन है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो केटू या गॉर्डन ऑस्टिन है, ये विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पीक विश्व का कौन सा है? हिमालय है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? ठीक, केटू या उसी को गॉर्डन ऑस्टिन कहते हैं। और यही हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, भारत का सर्वोच्च शिखर। तो भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? केटू। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि अब देखिए आप क्रम देखिए एग्जाम में क्या आएगा, आपके इसका सीक्वेंस आएगा। सबसे ऊपर से शुरू करें तो नंबर सिंबल पे कौन है? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख। तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर कैलाश। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। हालांकि कैलाश थोड़ा सा इधर आ जाता है, वो भी कैलाश आप देखेंगे, कैलाश पर्वत जहाँ पर है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे जो सबसे नजदीकी राज्य है उत्तराखंड, यहाँ पर। और यहीं पर आप देखिए कैलाश का एक मानसरोवर लेक होगा, मानसरोवर झील बना हुआ है। तो जो मानसरोवर आपने सुना होगा कि लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए हमारा जो सबसे नियर बाय स्टेट है, हमारा जो सबसे नजदीकी राज्य है, वो कौन सा है? उत्तराखंड। कह दे रहा, तो यही ये कैलाश रेंज का ही हिस्सा है। हालांकि है ये पोलिटिकली आप देखेंगे कि ये किस देश की सीमा में है? चीन। तिब्बत था, तिब्बत को चीन ने हड़प लिया है, तो वो चीन की सीमा में लोग मानते हैं, लेकिन जाते हैं तो पता नहीं वहाँ किसी को ज्यादा मतलब है नहीं, कुछ है नहीं वहाँ, पहाड़ तो ऊंचे कौन जाए, जाते हैं लोग कैसा कैलाश मानसरोवर की यात्रा। अब इसमें जो सबसे ऊपर आपको बताया कि जो हमारा काराकोरम है, तो काराकोरम की ऊंचाई ज्यादा है, बताया कि सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर। तो जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो ज्यादा ऊंचाई होगी, तो जब आपको बताया था वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे कि ऊंचाई जब ज्यादा होती है तो टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होता है? डाउन होता है, तापमान में कमी आती है। ठीक, तो जब तापमान में कमी होगी कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जाएगा तो बर्फ जमने लगती है। तो इसमें बड़े बड़े बने हुए हैं ग्लेशियर्स। बड़े बड़े क्या बने हुए हैं? ग्लेशियर्स। और हमारा जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे देश का, वो है सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो आप देखेंगे इसी काराकोरम में व्हाइट कलर से बना होगा, अगले पेज पर आप देखें तो वहां पर सियाचिन ग्लेशियर बड़ा वाला हिमालय बना होगा। उसी काराकोरम रेंज में आप कौन सा ग्लेशियर दिखाई दे रहा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। ग्लेशियर का मतलब पूरे साल जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, ग्लेशियर माने जाते हैं कि ये ताजे पानी के जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के बहुत बड़े बड़े सोर्सेज माने जाते हैं, बड़े बड़े स्रोत। तो आप ग्लेशियर का अंदाजा ला लें, पूरा पहाड़ है बर्फ का, ये हालत हो जाती है। ठीक, वोल्टेरो का नाम आपने सुना होगा, वोल्टेरो ग्लेशियर। तो सियाचिन, वोल्टेरो, ये सब बड़े बड़े ग्लेशियर किस में बने हुए हैं? काराकोरम में।
दिखाई दिया, क्लियर है। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में सबसे पहला पहाड़ आपने कौन सा देखा? सबसे पहला पहाड़ आपने देखा काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम में ही लिख लीजिए केतु। पब्लिक इसी को क्या कहते हैं? गॉडविल ऑस्टिन, केतु या गॉडविल ऑस्टिन। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। पहले हाइट इसकी लिख देंगे, गॉडविल ऑस्टिन की हाइट कितनी है? 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 मीटर, 7611 मीटर। तो 8611 मीटर को ऊंचा कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन या केतु। और यही जो गॉडविन ऑस्टिन या केतु है, ये क्या है? विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। विश्व का दूसरा सर्वोच्च शिखर एंड हाईएस्ट इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? केतु, गॉडविन ऑस्टिन। वर्ल्ड में किस रैंक पर है? दूसरे में। इसी काराकोरम में आप लिख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट इंडियन ग्लेशियर, सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। इसके अलावा बोल्टेरो ग्लेशियर है। तो जो सियाचिन और बोल्टेरो जैसे ग्लेशियर है, ये सब कहाँ पर पड़ते हैं? काराकोरम पड़ते हैं। और काराकोरम कौन से हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक। और इसी काराकोरम के जस्ट दक्षिण में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इंडस रिवर। जैसे सिंधु नदी काराकोरम के दक्षिण से प्रवाहित होते हुए भारत में प्रवेश करती है। इंडस रिवर एंटर्स इन इंडिया जस्ट साउथ ऑफ काराकोरम। देन तो काराकोरम के ही जस्ट दक्षिण में, और किसके बीच बहती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच। तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में ही इस तरीके से हमारी कौन सी नदी इंटर करती है? इंडस रिवर। सिंधु नदी घूमते हुए इस तरीके से होते हुए पाकिस्तान चले जाते हैं, क्लियर हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगला पहाड़ इस काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद लिख लीजिए जस्कर, जस्कर बाद कौन सा है? कैलाश। इसी कैलाश में कौन सी झील है? मानसरोवर, मानसरोवर झील। मानसरोवर लेख, तो मानसरोवर लेख किसमें पड़ता है? कैलाश में पड़ता है, ठीक। तो ये सारी चीजें हम लोग किसमें देख रहे हैं? ट्रांस हिमालय में देख रहे थे, होंगे हम लोग किसमें देख रहे थे? ट्रांस हिमालय। अब हम लोग क्या देखेंगे? हिमालय। अब ये जो हिमालय है, हिमालय को फिर से 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। हिमालय को भी कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 3 हिस्से बनते हैं। पहला हिमालय जो है, इसको कहा जाता है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। दूसरा है लेसर हिमालय, जैसे कुंभीर हिमालय भी कहते हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और तीसरा है शिवालिक। इसका कौन सा है? शिवालिक, ठीक। तीसरा हिमालय कौन सा है? शिवालिक।
तो ध्यान रखेंगे जो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक है, ये सब किसके हिस्से हैं? हिमालय के हिस्से। ट्रांस हिमालय में ये सब आते हैं, काराकोरम, कैलाश, और ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और शिवालिक, लेसर हिमालय, शिवालिक, ये सब किसमें आते हैं? अब देखिए ये होते क्या है कि इसमें जैसे आप देखेंगे कि इसको जो बाइफर्केट किया जाता है, तो इसको कैसे बाइफर्केट करते हैं हम लोग देखेंगे कि ये जो बड़ा सा आपको बताया कि उत्तर का मैदान है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हिमालय का ही है। तो होता क्या है कि ये देखिए कि यहां से इस तरीके से शुरू हो रहा है, मैप में भी आपको दिखाई देगा, इस तरीके से आप देखेंगे तो ऐसे एक बड़ा सा हिमालय जा रहा होगा, बड़ा बड़ा लिखा होगा महाना हिमालय, ग्रेट हिमालय लिखा हुआ है इस तरीके से। फिर देखिए भारत की तरफ जो है वो बड़ा बड़ा वो होगा शिवालिक, बड़ा बड़ा लिखा होगा शिवालिक, शिवालिक कैसे बना होगा। तो जो चीन की तरफ है वो कौन सा हिमालय है? महान। और यहाँ पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है नामचा बर्मा, तो नामचा बर्मा तक पहुंचते पहुंचते ये तीनों मिल जाते हैं, ठीक। और फिर देखिए यहाँ से ये हेल्थ पिंटर लेते हुए नीचे घूम गया, नीचे घूमा, और नीचे घूमते घूमते आप देखिए पूर्वांचल इस तरीके से आ गया, और नीचे जाएंगे तो म्यांमार में चला गया। जब नीचे जाइए यहाँ पर देखिए नीचे जाइए तो म्यांमार में इसको अराकान युमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अराकान युमा के नाम से जानते हैं। और नीचे आप जाएंगे तो फिर यही आप देखिए कि बहुत हल्का हल्का होते होते ये पूरा किसमें आ गया, पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको बहुत हल्के में दिखाई दे रहा है इस तरीके से देख रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये इसी का हिस्सा है। वही बस समंदर में नीचे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सब तीनों किसके हिस्से हैं? अब इसको देखिए अलग से हम बना देते हैं तब आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखिए इस तरीके से जब हम खींचेंगे तो ये वाला हिमालय कौन सा हुआ? महान हिमालय। नीचे की तरफ वाला कौन सा हुआ? शिवालय। और इन दोनों के बीच में कौन सा है? लघु हिमालय। तीनों आपस में मिले कहां पर? नामचा बर्मा, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद ऐसे घूम के नीचे आए पूर्वांचल, फिर घूमते हुए अराकान युमा म्यांमार चले गए, बहुत हल्का हल्का फिर होते हुए अंडमान निकोबार तक चले गए, ठीक है। तो इसको चाहे तो आप साफ साफ बना सकते हैं, ऊपर लिख लीजिएगा महान हिमालय। हिमालय भारत की तरफ कौन सा है? शिवालिक। बीच वाला कौन सा है? मिडिल हिमालय या लघु हिमालय? मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय? अभी आएगा नंबर बताएंगे उसको, अराकान युमा बोला जाता है। नेपिदा उनकी राजधानी, पहले म्यांमार की राजधानी रंगून हुआ करती थी, अब नेपिदा यहाँ की राजधानी, ठीक है। तो ये पूरा ये तीनों हम लोग देख रहे थे, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे जो दूसरा पार्ट होगा। उससे पहले हिमालय को पहले क्लियर करेंगे, फिर बाकी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग वीडियोस हम डालते जाएंगे और इंडिया का ज्योग्राफी आपका पूरा हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।